अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा सीट पर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, कामकाज कितने अधूरे हैं, राज्य सरकार और शासन स्तर पर कितनी चौकसी उनको नजर आती है, कौन से फैसले हैं जो उसके हित में लिए गए हैं, कोई ओपिनियन कोई मूड भी सेट हो रहा है क्या, जानने के लिए सीधा आपको जनता के बीच लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या सोच रही है यहाँ की जनता। सरकार ठीक नहीं लग रही है, कोरोना फरोना है, महंगाई है, सब लोग परेशान हैं, ज़्यादातर तो परेशानी धंधा पानी सब चौपट हो गया है। अरे काम काज तो ठीक ही है, लेकिन यह है कि अभी माने अभी तो ठीक ही चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन महंगाई ज़्यादा है, यही समस्याएं हैं, क्योंकि महंगाई जो है देख ही रहे हैं माने कि सबको पार करना पड़ता है। गैस चूल्हा मिला है फ्री में, हर चीज़ कर रहे हैं सरकार, और कोई सरकार ये सोचा नहीं है इसके पहले कांग्रेस और सब, इसलिए हमको पसंद है, हम शुरू से भाजपा के हो रहे हैं। महंगाई तो सब चीज़ का है, हमारा चीज़ तो महंग है, अगर तेल महंग है वो महंग है तो हमारा चीज़ तो केरा हमार है, सेब हमार है, नमक से लेकर उथुआ तक हमारा है, तो कुल तो महंगा है, कौन एक ही चीज़ महंगा है, तेल ही महंग है, तो वो 150 रुपया किलो है का, किसान की चीज़ ना महंग का। मूड हम लोगों का तो योगी और मोदी की तरफ है, योगी और मोदी ने जो कर दिया है 70 साल के पहले कुछ नहीं हुआ था, न जवाहर के न तो बाद न किसी के साथ, लेकिन जो मोदी योगी ने कर दिखाया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखाया है। गरीबों के सबके राशन फ्री दे रहे हैं, सबको क्या नाम है गैस सिलेंडर मिला है, महंगाई बढ़ी है लेकिन महंगाई बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासी मूड जो देश हित में है वही बन रहा है, जैसे सुरक्षा स्वास्थ्य ये सब जो सुरक्षित है हर तरह से हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं इसी तरह सुरक्षा बनी रहे देश और प्रदेश की, आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, रोजगार हर तरह से हर चीज़ बनता है, किसानों के लिए सुविधा है, यही सब चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों को। इसमें सब किसान आम आदमी सब परेशान है और कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई यही है, तेल और सब इतना महंगा हो गया, सब परेशान है, कमाई सब डाउन हो गया है, सब परेशान इसमें ये है। बात अगर टांडा विधानसभा सीट की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर मुकाबला सपा और बसपा के बीच रहा है, लेकिन 2017 में ये सीट मोदी लहर में भाजपा ने जीत ली और यहाँ से संजू देवी विधायक बनी। हालांकि इस सीट के इतिहास को यदि उठाकर देखा जाए तो 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक जीतकर आए थे। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, दलित वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है, जिस कारण लंबे वक्त तक बसपा को यहाँ फायदा मिला और इस बार कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा सकती है। देखिए हाल ही में लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, एकदम महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डीजल पेट्रोल पर कोई लगाम नहीं है, गैस 1000 रुपये पहुंच रही है, युवा भी परेशान है, वैकेंसियां भी कम आ रही हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जो भी सरकार बने भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए हमारा प्रदेश और विकास बहुत तेजी से आगे करे, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, चाहे सपा हो बसपा हो बीजेपी हो कोई भी विकास नहीं कर रही है। हमारा तो वर्तमान जो सरकार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का उसी के मूड में है, हाँ इनके राज्य में जो है अधिकतर तो जो है हर जितने भ्रष्टाचार हैं अब खत्म हो रहे हैं, और जो भी बचा हम सोचते हैं कि अगर एक बार फिर योगी जी बनते हैं अगर मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। सपा अखिलेश यादव, क्या बढ़िया था उनके कार्यकाल? सब कुछ बढ़िया था, जैसे क्या? रोड सड़क बढ़िया थी, ये 6 महीने से खोद के चला गया है, अभी तक कुछ उस पर काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ सड़क खोद के खाली बस खोद चल दे रहे हैं, कोई मतलब है उसका? जनता कितनी परेशान है, अधिकारी के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है। महंगाई बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बेरोजगारी बहुत है, बहुत सब तमाम दिक्कतें होती है। योगी अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ अच्छा, राशन फ्री मिल रहा है और जो भत्ता जो 2000 पावत हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं। ये किसान इतना परेशान भाई, किसान और बछवा को छोड़ा के मारे नरक किए हैं, क्यों उन्हें वोट दी? आज तक बीजेपी में रही, नहीं अब की बार नहीं दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास कर रही है,
लेकिन कुछ कमियां उनके अंदर हैं जो अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसको जरूरी है कि इस बार शासन में माननीय योगी जी से यही हमारा अनुरोध रहेगा कि कम से कम जो काम ग्राउंड पे करवा रहे हैं उसकी जांच जरूर कराएं।